बिहार सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जो है कि एनडीए गठबंधन के जेपी नड्डा के द्वारा जो है कि बिहार के संविदा कर्मी आशा ममता आंगनबाड़ी रसोईया को लेकर साथ ही संविदा पर नियोजित तमाम कर्मियों को लेकर बहुत ही बेजोड़ व बेहतरीन घोषणाएं की गई हैं। पक्ष और विपक्ष के द्वारा संविदा कर्मी आशा ममता आंगनबाड़ी सेविका सहायिका तमाम कर्मियों को जो है कि राजकर्मी घोषित कर नियमितीकरण करने का जो है कि खुले मंच से वादा किया गया है, तो सब कुछ आपको हम आगे वीडियो में बताएं। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों आइए आपको अब बताते हैं खबरों को विस्तार से। बगहा, जी हाँ, बगहा में आयोजित सभा में खुले मंच से पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो है कि कहा कि इंडिया गठबंधन बहुमत से बहुत अधिक सीटें जीतेगा। उन्होंने 300 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा किया। वह जो है कि मैनाटार हाई स्कूल के खेल स्टेडियम में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ज्यों ही सरकार का गठन होगा 15 दिनों के अंदर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कर्मी ममता रसोईया और संविदा पर नियोजित 4,00,000 कर्मियों को जो है कि राजकर्मी घोषित कर नियमितीकरण का लाभ देंगे। तेजस्वी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को बेड रेस्ट कराने के बाद ही हम बेड रेस्ट करेंगे। मेरा दर्द बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई के दर्द से कम है। तेजस्वी ने कहा कि हम मुद्दे की बात करते हैं और वे लोग झूठ बोलते हैं। बापू की धरती पर पीएम बोले थे कि चीनी मिल चालू करा देंगे और तब उसी की चीनी से चाय पियेंगे। तेजस्वी ने शिवहर से राजद प्रत्याशी रितु जायसवाल के पक्ष में मधुबन और पूर्वी चंपारण सहित तमाम जगहों के दौरा के उपरांत बगहा में सभा को संबोधित करते हुए सारी बातें बताई। तेजस्वी यादव के द्वारा खुले मंच से उस समय जो है कि बहुत बड़ी घोषणा की गई जब बिहार में कार्यरत 4,00,000 से अधिक संविदा पर नियोजित कर्मी और उतनी ही संख्या में आउटसोर्स और अवर्गीकृत कर्मियों को लेकर उन्होंने जो है कि बहुत बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार जो लगातार संविदा पर नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी, आशा ममता आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का शोषण तो करती रही किंतु इन्हें न्याय देने में लगातार असफल रही है और ये तमाम संविदा कर्मी और जो है कि तमाम महिला कर्मियों का उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा कि ये लोग लगातार जो है कि मांग करते रहे, आंदोलन करते रहे किंतु सरकार ने इनकी बातों को नहीं सुना। जब हमारी सरकार बनेगी तो 15 रोज के अंदर जो है कि इनको राजकर्मी घोषित किया जाएगा और इन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा जिससे इनकी वेतन वृद्धि होगी और तमाम तरह की सुविधाएं इनको मिलेंगी। यह तो बातें थी, आपको हम बताते चले कि पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जो है कि इस प्रकार की अहम और महत्वपूर्ण घोषणा चुनाव के क्रम में खुले मंच से किया गया जो संविदा पर नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, अवर्गीकृत कर्मी, आशा कर्मी, ममता आंगनबाड़ी रसोईया के लिए जो है कि बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा बगहा की सभा में जब इस प्रकार का उद्घोष खुले मंच से घोषणा किया गया तो इसका लाभ निश्चित तौर पर जो है कि अगर इनकी सरकार बनती है तो तमाम संविदा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कर्मी, जीविका एएनएम रसोईया सहित देश के जो है कि राज्य के सभी संविदा कर्मियों को भरपूर लाभ मिलेगा जिसको जो है कि स्पष्ट करते हुए बगहा की सभा में तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो है कि अपना चुनावी रणनीति और जो है कि आगामी कार्यक्रम सरकार बनाने के बाद उनका जो एजेंडा होगा उसका खुलासा खुले मंच से किया है जो कि सर्वविदित हो गया है, सार्वजनिक हो गया है और स्थिति स्पष्ट हो गई है कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो उनके विशेष कार्यक्रमों में संविदा कर्मी, आशा ममता, आंगनबाड़ी सेविका, रसोईया आदि को जो है कि लाभ मिलेंगे। और दूसरी तरफ इसी तर्ज पर एनडीए के नेता जो है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा भी जो है कि भरपूर घोषणाएं की गई है। उन्होंने भी बिहार में कार्यरत संविदा पर नियोजित
कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, ममता, रसोईया को जो है कि भरपूर लाभ देते हुए इन्हें भी जो है कि यदि एनडीए की सरकार गठित होती है तो अगली सरकार में निश्चित तौर पर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा, ममता, रसोईया और बिहार के संविदा कर्मियों को राजकर्मी घोषित करना पहली प्राथमिकता होगी और सरकार गठन के तत्काल प्रभाव से बिहार के संविदा नियोजित कर्मियों को राजकर्मी घोषित कर भरपूर लाभ दिया जाएगा। तो दोनों पक्ष के लोग, सत्ता और विपक्ष दोनों ने जो है कि घोषणाएं कर दी है और सरकार बनने के बाद यदि सरकार किसी की भी बनती है किंतु जो है कि संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी, आशा, ममता, रसोईया को जो है कि राजकर्मी घोषित करने का संदेश सत्ता और विपक्ष दोनों ने जो है कि खुले मंच से दिया है और आने वाले दिनों में जो है कि कयास लगाए जा रहे हैं कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, ममता, रसोईया, संविदा कर्मी को राजकर्मी घोषित करने की दिशा में जो यह पहल हुई है, खुले मंच से जो पहल हुई है, उसका भरपूर लाभ जो है कि इन कर्मियों को मिलेगा और ये तमाम कर्मी जो है कि राजकर्मी बनकर अपनी जो है कि अधूरी मांगों को पूरा करवा लेने में अपनी सक्षम होंगे और इन्हें तमाम तरह का लाभ जो है कि मिलना शुरू हो जाए।